पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है सॉलिड स्टेट की, दैट इज व्हाट इज सॉलिड स्टेट, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, दैट मींस इसमें सेकंड टाइप पे पूछा भी गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। बाइंडिंग फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, उनके अंदर पैकिंग कैसी होती है, क्लोज पैकिंग क्या है, ठीक है। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ वॉइड्स, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कि आगे चल के कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स, ठीक है, कोरिलेट करना पड़ेगा डेंसिटी का, ठीक है, यूनिट सेल की डेंसिटी का, उसकी प्रॉपर्टीज को आपस में कोरिलेट करना पड़ेगा। डिस्क्राइब द इम्परफेक्शन इन सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसके क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है, ठीक है। कोरिलेशन किसके बीच में देखना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है सॉलिड स्टेट का, कि सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर हमें जो जो पढ़ना है वो ये चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, ठीक है, जिनको हम कोशिश क्या करनी है कि ये जो इतना पोर्सन है इसको हम आज के लेक्चर में फिनिश कर देंगे, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा थियोरेटिकल है, पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, जिसको मैं बस ऐसे ही पेन ही चलाऊंगा, इसमें सिर्फ सिर्फ समझाता जाऊंगा, चीजें बताता जाऊंगा क्या कैसे होता है, ठीक है। ओवरऑल आप क्लास 11th 9th 10th में ये मैटर पढ़ के आए होंगे, वहां पर भी कई सारी चीजें डिस्कस करी गई थी। उसके बाद आज हम यहाँ पे भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जो आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होता है ना सॉलिड स्टेट का, वो स्टार्ट होता है यहाँ से, पॉइंट नंबर 4 से, डिफाइन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है, पैकिंग क्या है, वॉइड क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, ठीक है, किस तरह के क्रिस्टल होते हैं, ये सब, उनमें एटम्स कितने होते हैं, कैसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कैसी हैं, यहाँ पर हमें हमारा मेन सिलेबस हमारा ये स्टार्ट होगा, ठीक है। आज के सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये तीन तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं जनरल केसेस में, टाइम के ऊपर डिपेंड होगा क्योंकि 10 मिनट वैसे ही चला गया, ठीक है। तो ये है ये आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो आपने मैटर का पहले ही डेफिनेशन पढ़ रखा है कि एनीथिंग अराउंड अस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस कॉल्ड मैटर। हमारे चारों तरफ जो भी हम देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, छूते हैं, वो सब क्या है, मैटर है। जिसके पास मास होगा और उपाय करेगा वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। जैसे आप बुक देखते हो, अभी जो आप बुक लिए होगे, आप कॉपी लिए होगे, ठीक है, नोटबुक, पेन लिए होगे, चेयर पे बैठे होगे, ठीक है चेयर पे बैठे होगे, टेबल होगी आपके पास, मतलब ये नॉर्मल सी चीज है जो आप सामने देख सकते हो, ये सब क्या है, आपका मैटर है, ठीक है। अगर हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखें, फिजिकल के अकॉर्डिंग देखें, तो मैटर की तीन बेसिक टाइप्स होते हैं। तीन बेसिक टाइप में सबसे पहला आपका सॉलिड स्टेट है, ठीक है, दूसरा आपका लिक्विड स्टेट है, और आपका क्या है, गैस है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज है, कोई भी मैटर है, तो वो फॉलोइंग थ्री में रह सकता है। कोई भी पर्टिकुलरली मैटर सॉलिड में हो सकता है, वही मैटर लिक्विड में भी हो सकता है, और वही जाके गैस में हो सकता है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे कुछ चीजों का चेंजमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चेंज करना पड़ेगा और वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाएगा। जैसे अब अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे होगे, तो पहला स्ट्रक्चर मैंने सॉलिड का लिया है, दूसरा स्ट्रक्चर मैंने लिक्विड का लिया है, और तीसरा स्ट्रक्चर मैंने गैस का लिया है। तीनों में बेसिक डिफरेंस होगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत बढ़िया अरेंजमेंट में, बहुत अच्छे पास पास में रखे हुए हैं, एक बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो हो रहा है पूरे स्ट्रक्चर में। लेकिन आप लिक्विड में देखो तो ये पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ जाता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर वही आप कंपेयर कराओ गैस के केस में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, यानी कि इनके बीच का जो एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भाग रहे हैं, मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, बहुत फास्ट मूव करते हैं। अब जरा देखो नीचे कुछ लाइन भी लिखी हुई है, क्या कहता है, कह रहा मॉलिक्यूल्स हेल्ड इन फिक्स्ड पैटर्न। मॉलिक्यूल्स क्या है, फिक्स्ड पैटर्न में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पैटर्न के यहाँ पे इतने इतने पर्टिकुलरली एरिया में इस तरह का पैटर्न है, तो दूसरे एरिया में यहाँ पे पैटर्न बदल जाए, नहीं। देखो अगर इसको देखो तो ये, अगर मैं इस वाली को ए मान लूं और इस वाली को बी मान लूं, उल्टा मान रहा हूं मैं, ठीक है, तो अगर ए को देखो तो ए के दो एटम्स के या दो स्फीयर के बीच में क्या है, एक बी का स्फीयर, ऐसे इस वाली में ए और बी, ऐसे ही नीचे है ए और बी, ऐसे ही और नीचे ए और बी, यानी कि एंटायर सरफेस पे, एंटायर एरिया पे क्या हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, और मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज्यादा
क्लोज है एक दूसरे के, बहुत ज्यादा क्लोज है। देखो एक दूसरे के बिल्कुल स्पेस भी नहीं है इन थोड़े थोड़े स्पेस के अलावा, ठीक है, इन इंटरस्टीशियल साइड्स के अलावा और कहीं पे कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पे देखो तो मॉलिक्यूल्स कुछ पास में है और कुछ बहुत दूर है, उनके बीच में कुछ जगह पे तो इंटरेक्शन है कुछ जगह पे इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि सॉलिड और लिक्विड में किस में ज्यादा इंटरेक्शन है, तो आप ऑब्वियस कहोगे सॉलिड के केस में ज्यादा इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास में है, बहुत ज्यादा पैक है। अगर आप इन दोनों के बीच में देखो लिक्विड और गैस के बीच में, तो किसके केस में आएगा, लिक्विड के केस में ये वाली कंडीशन थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब सॉलिड से कम पास में है लेकिन पास में है, गैस से बहुत ज्यादा पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जस्ट अ सेकेंड, हाँ मॉलिक्यूल्स पैक्ड क्लोज टुगेदर एंड फ्री टू मूव। यहाँ पे क्या है, क्लोज ईच अदर है, क्लोज टुगेदर है लेकिन मूवमेंट नहीं है, ठीक है, मूवमेंट नहीं है। अभी कौन सा मूवमेंट, अभी केवल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं बोल रहा, आगे मैं चीजें डिस्कस करूंगा, प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले इधर देखो, कह रहा है मॉलिक्यूल्स पैक्ड क्लोज इधर ईच अदर बट फ्री टू मूव, ये मूव करते हैं। मतलब क्या है कि आप क्या करो, लिक्विड जैसे लो, जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लिया एक ग्लास में और उस ग्लास के वाटर को आपने किस में डाल दिया, एक बड़े बर्तन में डाल दिया, तो वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा। और मूव करने के बाद क्या करेगा, जैसे आपने क्या करा, सपोज ये ग्लास है और इस ग्लास में आपने वाटर भर रखा है, तो अभी इतना वॉल्यूम लिया है, इतना वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन आपने जब इसको बड़े उसमें डाला तो इसने कितना वॉल्यूम लिया, इतना वॉल्यूम लिया। मतलब इसका क्या है, वॉल्यूम चेंजेबल है, मतलब इसका जो एरिया है, इसकी जो शेप है, साइज है, वॉल्यूम फिक्स है, सॉरी अगर यहाँ पे 1 लीटर है तो ये भी 1 लीटर रहेगा, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप और साइज क्या है, डिफरेंट हो रहा है। सॉलिड के केस में हर एक चीज फिक्स रहती है, चाहे वो वॉल्यूम हो फिक्स होगी, साइज हो फिक्स होगा, शेप हो फिक्स होगा, एरिया हो फिक्स होगा। भाई अगर आप देखो, अगर ये आप देख पा रहे होगे साउंड, अगर मैं साउंड को अपने घर में रखूं तो भी ये इतना ही है, तुम्हारे घर ले आऊं तो भी इतना ही, मतलब इसका हर जगह पे सारा ओवरऑल क्राइटेरिया मेजरमेंट सब कुछ क्या है, सेम है। लेकिन लिक्विड को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करो तो वो उस जगह पे उसका स्पेस ले लेता है जिस जैसा वो होता है, ठीक है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस की तो हम बात ही ना करें, क्यों, क्योंकि इतने ज्यादा फ्री होते हैं, इतना ज्यादा मूवमेंट होता है कि अगर आपने स्प्रे, जैसे डीओ होता है, अगर आपने स्प्रे किया तो अगर आप कमरे के रूम के एक कॉर्नर पे होते हैं तो वो स्प्रे कहाँ चला जाता है, पूरे इंटायर रूम पे स्प्रे की खुशबू आने लगती है, ऑडर हो जाता है, ऑडर हो जाता है, पूरा रूम आपका महकने लगता है। तो होता क्या है, इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाइडली स्प्रेड होते हैं। देखो लिखा मॉलिक्यूल वाइडली स्प्रेड, वाइडली सेपरेटेड, स्प्रेड भी होते हैं, वाइडली सेपरेटेड भी होते हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। अब बीच में कुछ और चीजें दी गई कि आप अगर सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने वाली प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और अगर आप लिक्विड से किस में जा रहे हैं, गैस में जा रहे हैं, तो इसको वेपोराइजिंग कहेंगे या इवोपरेटिंग कहेंगे, या फिर आप क्या कह सकते हो इस प्रोसेस को, बॉइलिंग भी कह सकते हो, क्योंकि बॉइलिंग के बाद ही ये चीजें किस में जा रही हैं, गैस में जा रही है। अगर आप गैस से वापस लिक्विड में आ रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, कंडेंसिंग बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो इसको भैया बोलते हैं, इसको बेटा फ्रीजिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज कर जाता है, ठीक है, और सॉलिड में आ जाता है। तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हो। अगर आप सॉलिड से गैस में जाने चाहो तो उसको सबलिमेशन कहते हैं, जैसे इसमें सबलिंग लिखा हुआ है। अगर वापस से आप गैस से सॉलिड में आना चाहते हो, देखो डबल एडेड लेगा, इधर भी एरो है और इधर भी एरो है, इसका मतलब आप इधर से इधर भी जा रहे हैं और इधर से इधर, सॉलिड से गैस में भी जा रहे हैं, सॉलिड से गैस से सॉलिड में भी आ रहे हैं, तो इसको सबलिमेशन कहते हैं, सबलिंग कहते हैं, ठीक है। ये रही बात मैटर ऑफ स्टेट की, 3 टाइप्स में होता है, कैसे अरेंजमेंट होता है, क्या होता है। लेकिन अभी हमें सिर्फ इस चैप्टर में सॉलिड को पढ़ना है। क्लास 11th में आप गैस पढ़ के आए हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पूरा पढ़ा है आपने, ठीक है। लिक्विड जो होगा इसको हम चैप्टर नंबर 2nd में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन में, ठीक है। जो आपका सॉलिड है इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं राइट नाउ, ठीक है। तो भाई सॉलिड स्टेट है क्या, व्हाट इज सॉलिड स्टेट, अगर ऐसी बात करी जाए तो कह रहा दैट द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही जब ये इतने पास में होंगे, ठीक है, इतना घसा घसी में, इतना ज्यादा ये टाइटली क्लोज पैक है कि क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इस स्टेट को क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये रही डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद द फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज सॉलिड स्टेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट की, तो कुछ यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम पहचान पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये सॉलिड है या नहीं है,
ठीक है, ऑब्वियस आपको आपको ये कोई भी मैं दे दूं ऐसी चीज, तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि नहीं नहीं भाई ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहती है कि दे हैव डेफिनेट मास वॉल्यूम सेप, मतलब वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, मास भी चेंज नहीं होता, सेप भी चेंज नहीं होता, वो जैसा होता है वैसा ही रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कह रहा इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस क्या है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस मतलब जैसे ये एक मॉलिक्यूल के दो एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल मान सकते हैं इनको, क्या मान सकते हैं मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, या इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, शॉर्ट मतलब छोटी होती है। जैसे अगर मैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा सेपरेट कर दूं, बाहर रख दूं, दूर दूर रख दूं, तब इनकी डिस्टेंस देखो ये लंबी हो गई, बड़ी हो गई, मैं थोड़ा और दूर कर दूं इनको तो क्या होगा, ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो क्या आप यहां से बता सकते हैं कि अगर इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस का ऑर्डर पूछा जाए सॉलिड लिक्विड और गैस के केस में, सॉलिड लिक्विड और गैस के केस में, तो किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियस सॉलिड का, सॉरी ज्यादा होने का केस गैस की ज्यादा होगी, लिक्विड की थोड़ी कम होगी, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्ट होती है, सबसे लेस होती है, सबसे लोअर होती है, या फिर जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, तीसरा बेसिक पॉइंट ये है कि जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है भाई, जो जितने ज्यादा पास में होंगे भाई, जैसे हमने क्या बोला था, जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे H2O के केस में भी ऐसे डिस्कस करी थी, तो अब ये मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन है, अब ये मॉलिक्यूल जितने पास होंगे ये इंटरेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दूर जाते थे स्ट्रॉन्ग इनका जो अट्रैक्शन था वो क्या हो जाता था, वीक हो जाता था। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, पास रहने वाला जो फोर्स लग रहा है ना, तो जितना ज्यादा वो पास में होंगे, जितना ज्यादा वो क्लोज होंगे, उतना ही बेहतर बनेगा वो, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यही लिखा गया है कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कह रहा दियर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, दैट मींस जिन चीजों से मिलके वो बना है, अब वो हो सकता है एटम से मिलके बना हो सकता है मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, या हो सकता है वो आयन से मिलके बना हो, ठीक है, वो क्या होगा, हैव फिक्स्ड पोजीशन, उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, एक एटम यहाँ पे रहता है तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट दियर मीन पोजिशन। ऑसिलेट का मतलब होता है मूवमेंट, और जो मूवमेंट कर रहा है वो अपनी ही पोजिशन पे कर रहा है, जबकि गैस और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं था, ये मॉलिक्यूल्स इधर भी जा सकते थे, ये मॉलिक्यूल इधर भी जा सकते थे, ये मॉलिक्यूल इधर जा सकते थे, ये इधर जा सकते थे, ये नीचे आ सकते हैं, ये ऊपर जा सकते हैं, पूरा रेंडम मोशन चलता है, किसके किसके केस में, लिक्विड और गैस के केस में, लेकिन इस तरह का रैंडम मोशन या फिर सिंपल मोशन ही कह दूं सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये देखो दो हैंड्स, ये मेरे हैंड्स हैं, अगर ये दूर हैं आपस में तो मैं मूव करा सकता हूं, लेकिन अगर मैं इनको क्लोज पैक करा दूं, ऐसे बांध दूं, तो अब ये मूव नहीं करेंगे, मूव ऐसे नहीं मूव करेंगे, बस अपनी ही पोजिशन पे मूव करेंगे, ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन करेंगे, घूमेंगे वहीं पे, रोटेशन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोला गया है, ऑसिलेशन बोला गया है। तो ओनली ऑसिलेट अबाउट दियर मीन पोजिशन, जहां पर वो होते हैं सिर्फ वहीं पर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड है भाई, अगर बोला जाए कि ये आपका साउंड है, इसको आप बहुत ज्यादा तेजी से प्रेस करके दबा दो, तो मैं अगर प्रेस करूंगा तो ये दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन एक टाइम पे इतना फोर्स लग जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो हार्ड होने की वजह से, रिजिड होने की वजह से क्या होते हैं, सॉलिड सॉलिड मटेरियल ब्रेक हो जाते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, थोड़े थोड़े छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। तो बताओ क्या इस स्लाइड में कुछ पूछना है, या इसके पहले वाली में कुछ पूछना है, बोलो। थ्योरेटिकल है, बहुत आसान है, बस हमें चीजें बस देखनी है, सुननी है और समझनी है कि क्या चीज चल रही है,
कहां पर क्या चीज है? फिक्स है, डेफिनेट है, वॉल्यूम, शेप एंड साइज, किसका? सॉलिड का। डेफिनेट नहीं है क्या? शेप एंड साइज लिक्विड का, वॉल्यूम डेफिनेट है। गैस के केस में देखो तो वहां पे तो कुछ भी डेफिनेट नहीं है, सब कुछ इनडेफिनेट है। ठीक है, अगर आप 1 मिलीग्राम गैस भी एक 5 लीटर के सिलेंडर में डालते हो तो वो पूरा एंटायर उस सिलेंडर में घूमता रहता है। ठीक है, अगर आप 4 लीटर भी डालते हो तो भी वो पूरे सिलेंडर पे घूमेगा। तो गैस के केस में क्या है, कुछ भी फिक्स नहीं है, सारा कुछ क्या होता है, इनडेफिनेट होता। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये देखो, अभी ये एमसीक्यू की वजह से ही मैंने इसको बाहर निकाला हुआ है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा लाइन लिखी हुई थी, छोटी सी लाइन, वही मैंने निकाली हुई है और इसको समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड। अगर हम किसी सॉलिड के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ उनके बीच में हम अंडरस्टैंडिंग बैठाते हैं, तो हम एबल होते हैं नई डिस्कवरी करने के, नए तरह के सॉलिड मटेरियल को बनाने में। ठीक है, विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज की वजह से। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है कार्बन नैनो ट्यूब, याद रखना इंपॉर्टेंट। देखो स्टार मार्क किया हुआ है, ये पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि जब इस तरह से अगर आपका सिलेबस बनेगा एग्जाम का, इस तरह से सिलेबस बनेगा तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है, न्यू मटेरियल है दैट हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड मटेरियल दैट आर, क्या लिखा है, क्या पढ़ेंगे इसको, टफर है क्या है ये वर्ड, क्या है इसको, यहां होना चाहिए टफर ही बोलेंगे भाई, हार्ड बोल सकते हैं। हाँ, टफर देन स्टील, लाइटर देन एल्यूमिनियम एंड हैव मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी देन कॉपर। भाई कॉपर क्या है, कंडक्टिव है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, उससे भी ज्यादा कंडक्टिव क्या है आपका, कार्बन नैनो ट्यूब। एल्यूमिनियम आप यूज करते हो, एल्यूमिनियम भारी होता है, एल्यूमिनियम से भी हल्की अगर आपको कोई चीज मिल जाए तो वो क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब। स्टील है, स्टील से टफर क्या है आपका, कार्बन नैनो ट्यूब। दैट मींस कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्या होता है, हर एक चीजों को क्या करता है, एक साथ ले आता है। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब का आप अगर स्ट्रक्चर देख पाओ तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और अगर आप छोटा सा भी इसका पार्ट देखो, अगर मैं इस पार्ट को निकालू तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दैट मींस क्या है, इस तरह से साइक्लोहेक्सेन की तरह स्ट्रक्चर्स आपस में है, ये बाइंडेड है, आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से। और इस तरह से जब आपस में चीजें जुड़ी होती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, हर तरह से हमारे लिए यूजफुल है। और देखो ये होती कैसे, ऐसे पाउडर फॉर्म में, ऐसे पाउडर फॉर्म में देखो, देख पा रहे होगे हर जगह पे क्या है, पाउडर फॉर्म में, ये ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। अब ये एक एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया गया है बना के, कि ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, अदर किसी के कंपेयर कराओ तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर कुछ ऐसा नए मटेरियल के बारे में पूछता है, नए सॉलिड मटेरियल के बारे में पूछता है, अगर वो इस तरह से प्रॉपर्टी देता है कि कौन सा ऐसा सॉलिड है जो एल्यूमिनियम से लाइटर है, स्टील से टफर है और आपका कॉपर से ज्यादा कंडक्टिव प्रॉपर्टी का है, तो आपको ऑप्शन में देखते ही टिक कर देना है कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना। टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करें तो जनरली दो तरह के सॉलिड हैं आपके केस में, आपके लिए यहाँ पे। पहला क्या है, पहला है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आपका एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। जैसे डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्या होता है, इन दीज टाइप ऑफ सॉलिड दियर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर ऑर्डर। भाई सॉलिड बोला गया, एक पैटर्न में रहता है, सॉलिड कैसा रहता है बेटा, एक पैटर्न में रहता है, जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी ऊपर से नीचे तक, टॉप से बॉटम तक, ये पैटर्न में है। लेकिन देखो जब ये एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं तब इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, लेकिन जब ये कैसे हो जाते हैं, इररेगुलर ऑर्डर में हो जाते हैं, मतलब
कभी भी कोई भी पार्टिकल आ जाए, कभी भी कुछ भी मिक्स हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? एमोरफस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप डायमंड देख सकते हो, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। NaCl देखो, आप नमक देख लो, तो नमक भी कैसा होता है? ऐसे छोटे छोटे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में ऐसा होता है, ठीक है, और एक हर एक हर एक बिल्कुल एक जैसा होगा, एक जैसे पैटर्न में, ठीक है। सोडियम सल्फेट होता है, एक जैसे पैटर्न में होता है। इस तरह के सॉलिड्स को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ओवरऑल एक जैसा रहने वाला। एमोरफस की बात करें तो एमोरफस में ये रेगुलर ऑर्डर में रहेगा, जैसे आप ग्लास देखते हो, प्लास्टिक देखते हो, रबड़ देखते हो। चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे आप नमक को, सॉल्ट को अगर आप ब्रेक कराओगे तो बराबर पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप रबड़ को ब्रेक कराते हो या फिर प्लास्टिक को ब्रेक कराते हो, अगर मैं आपको दे दूं ये प्लास्टिक है, अगर आप इसको नॉर्मल अगर चाकू से काटो तो ये कैसा हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, जिगजैग मोशन में कटेगा भाई। जैसे कैसा है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्लास्टिक का बनाता हूँ और मैं यहाँ से कट करना चालू करता हूँ, मुझे कट करना है बिल्कुल सीधा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट से कट नहीं कर रहा कि बेस्ट इंस्ट्रूमेंट से कट करूंगा बराबर कटेगा। नॉर्मली अगर मैं इसको कट करता हूँ या फिर ऐसे फाड़ता हूँ, ऐसा प्लास्टिक पतला सा है उसको फाड़ता हूँ, तो वो जिगजैग मोशन में फटता है, ऐसे फटता है। क्यों ऐसे फटता है? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते ही नहीं है, इरेगुलर होते हैं। अब देखो जरा, जब आप बस में ट्रेवल करते हो, ठीक है, और बस थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, बस थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, तो होता क्या है, जो इनके अंदर ग्लास लगे होते हैं वो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, शोर करते हैं। तो भाई जब न्यू बस थी तब तो ये शोर नहीं हो रहा था, जब बस ओल्ड हो गई, थोड़ा टाइम हो गया बस को, तब ये क्या हो गया? आवाज करने लगा। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो आपका ग्लास है वो सुपर कूल्ड सॉलिड है। ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड सॉलिड है, ये बात याद रखना, ठीक है। ग्लास क्या होता है? सुपर कूल्ड सॉलिड होता है, दैट मींस उसको इतना ज्यादा अचानक से ठंडा करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, मोल्टन से सॉलिड में बनाने जब बनाते हैं तो बहुत जल्दी ठंडा करते हैं, तो वो होता क्या है कि वो पिघलता है। भाई अगर ये मेरा ग्लास का है पीस, न्यू पीस है, तो आफ्टर सम टाइम्स ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, दैट मींस ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। तो कई बार विंडो खुलती ही नहीं है, ऊपर का तो कट 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 बोलता है लेकिन नीचे से वो खिसकता ही नहीं है। तो यही चीज है, वो क्या करता है? धीरे धीरे फ्लोट करता है, नीचे की तरफ पिघलता है, ठीक है। तो आप ये दोनों में डिफरेंस, नॉर्मल डिफरेंस है डेफिनेशन वाइज, कि जिनमें अरेंजमेंट रेगुलर होता है मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस का, वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिनके अंदर क्या होता है ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो आपका क्या कहलाता है? एमोरफस सॉलिड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिफरेंस है उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ली गई है, एक शेप की प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है, क्लीवेज प्रॉपर्टी ली गई है, हीट ऑफ फ्यूजन लिया गया है, एनआइसोट्रॉपिक नेचर लिखा गया, ऑर्डर इन अरेंजमेंट लिखा। तो हम यहाँ पे कुछ ये सिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्वियस मैंने ये बुक का ही कटआउट लगाया है, इसलिए लगाया क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में अगर हम ज्यादा टाइम लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो उस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, इनको जितना थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा हम उसको ऐसे ही पीडीएफ में, ऐसा स्लाइड में लगाते रहेंगे, जैसे हमें आसानी मिल जाए और हमारा थोड़ा सा फास्टली मूव करें। समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर दिखना ही रहा हो कहीं पे, वैसे पूरा दिख रहा होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। यस, दिख रहा है, दिख रहा है। शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, दैट मींस उनका जो शेप है वो फिक्स रहता है, एक जैसा रहता है। इंटायर पूरे, अगर पूरे सरफेस एरिया की बात करूं तो उनका पूरा शेप एक जैसा रहेगा, कहीं पे कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अगर ये इस तरह का बनाया गया तो ये पूरी में ऐसा ही रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। ठीक है, चौक देखते होगे, जैसा बनती है एक चौक वैसे ही सारी चौक्स बनती रहती है, लेकिन वहां पे क्या होता है, एमोरफस सॉलिड के केस में ये चीजें बदल जाती है, इरेगुलर शेप में हो जाता है, मतलब उनका शेप फिक्स नहीं होता, वो अपने इरेगुलर शेप में रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत ही क्या होता है, एक फिक्स होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम एमोरफस की बात करें तो ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक रेंज के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट इसकी बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो ये क्या होता है, एक शार्प होता है और एक चलता रहता है, एक फ्लो में चलता रहता है, कि जैसा जैसा आप हार्ड लेते जाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका एमोरफस के केस में ऐसा नहीं है। क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब कट करना या फिर तोड़ना ओड़ना, तो जैसे कहते क्या है कि व्हेन कट विद द शार्प एज टूल
किसी या एक सार पेज टूल से अगर हम कट करते हैं तो दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस। किसी ने चैटिंग करी, जस्ट अ सेकंड। हाँ सीखा, क्या कह रहे हैं? सीखा यूज माइक। सीखा क्या कह रहा है बेटा? सर के आगे भी तो लिखो, वहां पे सर बस लिखा है, कुछ नहीं है उसके आगे। ओके, तब तक मैं शायद वो लिख रही है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्लीवेज प्रॉपर्टी का क्या लेना देना है कि जब भी हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो वो दो पार्ट में, दो पीस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। मतलब अगर हम क्या करें, जैसे हमने क्या किया, इस पूरे पर्टिकुलरली इस क्रिस्टलाइन, इसको लिख देता हूँ, ये कैसा है, क्रिस्टलाइन है। अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे कटेगा जैसे यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल चिकन एक जैसा। मतलब कहते नहीं, जैसे आप कुछ काटो, कट करो, जैसे आप वेजिटेबल ही कट करते हो तो एक स्मूथ कट होता है, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसे स्मूथ होता है, एक पैटर्न में फॉलो होता है। लेकिन जब भी आप किसको कट करते हो, किसको, एमोर्फस को, शार्प टूल से, तो वो कट होते हैं टू पीस में, लेकिन इररेगुलरली सरफेस में, जिसको मैं यहाँ पे बता रहा था, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये जिगजैग मोशन में यहाँ से कट होता है। इसका मतलब उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, वो सरफेस क्या है, रफ है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो वो एक पैटर्न में कट होता है, एक प्लेन में कट होता है, एक स्मूथ पैटर्न होता है, लेकिन जब हम एमोर्फस में कटते हैं तो वो कट करते हैं तो वो इरेगुलर सर्फेस में चला जाता है। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन और फिजन, फ्यूजन एंड फिजन दो चीजें हैं, ये क्या मतलब है, फिजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि ब्रेक होना, ब्रेकअप, ब्रेकअप लिख सकते हैं, ब्रेकअप लिखते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा। फ्यूजन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन और फिजन में देखो, कह रहा है हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनकी क्या है, एक फिक्स एंथैल्पी है, एक डेफिनेट एंथैल्पी है। लेकिन अगर एमोर्फस की बात करें तो इनकी जो एंथैल्पी होती है वो डेफिनेट डेफिनेट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। एंड आइसोट्रॉपी नेचर की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। क्या होता है एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक एमोर्फस होते हैं। तो ये क्या होता है अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगली स्लाइड में, तो वहां तक के लिए अभी वेट करते हैं। तो याद रखना क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। एमोर्फस कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। नेचर देखो, अगर नेचर की बात करें, नेचर कैसा होता है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड जिनको किसमें बदल दिया गया, सॉलिड में, ठीक है, तो स्यूडो सॉलिड बोल दिया गया। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब एक लंबी दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, एक ऑर्डर फॉलो होता है, कि अगर एक 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 के बाद बी आ रहा तो एक के बाद बी ही आएगा, ठीक है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में, ये वेरी शॉर्ट रेंज होती है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक फॉलो करते हैं, उसके बाद इस तरह का ऑर्डर फॉलो नहीं होता, वो इरेगुलर हो जाते हैं। बोलो, इस स्लाइड में कुछ पूछना है? अंचल बहुत ही स्लो आवाज आ रही है, आपके पंखे कूलर की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी नहीं आ रही, या फिर ईयर प्लग लगाए हो तो ईयर प्लग का माइक पास में ले लो। क्या कह रहे हैं बताओ, एंट्रोपी, ठीक है। तो ये क्या है, जो आइसोट्रॉपिक है ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी होता है, ठीक है, अलग डायरेक्शन में अलग मिलेगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आइसो एनआईसो की, तो ये क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनआईसोट्रॉपिक मटेरियल आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। अगर हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक डायरेक्शन में वो पूरी तरह से सेम रहेगा, अगर हम दूसरे डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन में दूसरा पैटर्न सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, आइसोट्रॉपिक की, तो ये पूरी तरह से क्या होता है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या है कि जब हम किसकी बात कर रहे थे, ठीक है, क्रिस्टलाइन की, तो क्रिस्टलाइन कैसा है, एन आइसो है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। एमोर्फस कैसा है, आइसो है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। मतलब
अगर हम यही तो कह रहे थे, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें एक जैसा पैटर्न मिलता है, अगर हम डाउनवर्ड आते हैं इस तरफ से डाउनवर्ड तो भी हमें कैसा मिलता है, एक जैसा पैटर्न मिलता है। तो ये क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। लेकिन अगर इसमें चले, इसमें चले, अगर किसी भी डायरेक्शन से चले, किसी भी तरफ से देखें, तो हमें क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट मिलेगा। कुछ भी हो, रैंडम हो रहा है, क्या हो रहा है, रैंडम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इमेज गंदी कर दी मैंने, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड क्रिस्टल्स विद क्यूबिक सिमेट्री एंड एमोरफस मटेरियल सच एज ग्लासेस। ये जैसे ग्लास वगैरह में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर होता है और उसमें डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी होता है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल देखो तो वो क्या है, इंक्लूडेड वुड, कंपोजिट मटेरियल, ऑल क्रिस्टल एक्सेप्ट क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल के अलावा सारे क्रिस्टल्स हैं जो क्या करते हैं, एनआइसोट्रॉपिक देते हैं। फिर क्या कहता है, कह रहा है हैव अ सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है, मोर रिफ्रैक्ट। भाई उसमें, इसमें क्या है, हर एक डायरेक्शन में अलग अलग पैटर्न है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक ही रहेगी, लेकिन इसमें क्या है, अलग डायरेक्शन में अलग पैटर्न है, लेकिन पैटर्न है। इसमें क्या है, अलग डायरेक्शन में अलग पैटर्न तो है लेकिन पैटर्न ही नहीं है, अगर ओवरऑल देखा जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आइसोट्रॉपिक में डोंट शो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बायर फिंगरेंस, ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या लिखा है, डाइक्रोइज्म एंड डिस्पर्सन ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग की प्रॉपर्टी नहीं शो करता, लेकिन यहाँ पे देखो तो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, डाइक्रोज में शो करता है, देखिए डिस्पर्सन ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो इनकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, बार बार बदलती है, इस वजह से क्या होता है, अपना हर एक चीज हर एक तरह से प्रॉपर्टी बदलता है। भाई अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इधर इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, आपका साउंड है, इस तरफ क्या है, साउंड है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखो साउंड नहीं है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया। अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं इसको तो यहाँ का पैटर्न अलग है, इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो इसका पैटर्न अलग है। ठीक है, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट होने पर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, बदलता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में चलते हैं उस पूरी डायरेक्शन में पैटर्न एक जैसा फॉलो होगा, लेकिन इस वाले में पैटर्न बदल जाएगा। तो बस हमें आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक में यही देखना है कि क्या होता है, आइसोट्रॉपिक में हम किसी भी डायरेक्शन में चले पैटर्न पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन एनआइसोट्रॉपिक में पैटर्न नहीं बदलता। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, तो कह रहा है यूज्ड फॉर विंडोज एंड लेंसेस। ग्लास का यूज विंडो और लेंसेस में होता ही है। इसका क्या होता है, यूज फॉर पोलराइज ऑप्टिकल वेब वेब प्लेट्स एंड वेजेस। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल वेब प्लेट्स में यूज होता है इनका। ठीक है, ऑप्टिकल चीजों में जैसे मिरर इमेज बनाते थे आप, ठीक है, आपने देखा था SN1 और SN2 में रिटेंशन इन्वर्जन प्रोडक्ट, तो वो क्या थी, ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, आपने कैरेलिटी देखी थी, आपने हैंड्स में देखा था। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज सुपर मिरर इम्पोज नहीं थी, मतलब मिरर इमेज सुपर इम्पोज होती नहीं थी, ये अगर पलट के लगाते थे तब सुपर इम्पोज होती थी। तो ये क्या है, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी करेक्टर है। ठीक है, तो आपसे आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक में इतना सारा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और जो आपका एमोरफस सॉलिड होता है उसमें किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है या फिर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल में पहला तो क्रिस्टल है मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटलिक सॉलिड और चौथा है आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं मॉलिकुलर सॉलिड की क्या। तो मॉलिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे होंगे तब उस तरह के पार्टिकल, उस तरह के सॉलिड को हम क्या नेम देंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड देंगे। अब वो हो सकता है नॉन प्लेनर हो, नॉन पोलर हो, पोलर हो, या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, आयनिक सॉलिड की बात करें तो जब हम आयंस को यूज करेंगे तब जो आपका सॉलिड बनेगा वो क्या कहलाएगा, आयनिक सॉलिड कहलाएगा। मेटलिक सॉलिड में पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं जब हम मेटल्स को देखते हैं तो मेटल्स कौन सा चार्ज लेता है, पॉजिटिव चार्ज लेता है, तो इसी वजह से हम पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को जब हम यूज करते हैं तो वो क्या बनाता है, मेटलिक सॉलिड बनाता है। और लास्ट वन आपका क्या है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। जब कोई एटम्स आपस में क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, तब एक नेटवर्क बना लेता है, एक जाल बना लेता है, जैसे आप डायमंड का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, वगैरह वगैरह देख सकते हो। ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर लगाया नहीं, लगा लेंगे, अभी लगा लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मॉलिकुलर सॉलिड की। तो मॉलिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाएगा। ठीक है,
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बर्निंग या अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो वो हो सकता है डिस्पर्सन फोर्स हो सकता है लंडन फोर्स हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो वो अलग अलग डिपेंड करेगा। अगर नॉन पोलर है तो डिस्पर्सन या फिर लंडन फोर्सेस होंगे, पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अगर इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी चीज में, किसी भी सॉलिड के अंदर, तो वो सॉलिड किसका पार्ट होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का पार्ट होगा। जैसे एग्जांपल में आप आर्गन ले सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, तो ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। जनरली इनको पोलर समझा जा सकता है लेकिन इनमें कोवेलेंट नेचर होता है। H2 I2 CO2 तो इसमें क्या है, लंडन फोर्सेस काम करते हैं। HCl SO2 में क्या होता है, डाइपोल। जैसे HCl को लो तो ये डेल माइनस और डेल प्लस में चला जाएगा, इसको क्या कहते हैं, ये क्या क्रिएट हो गया, डाइपोल हो गया। अगर ये दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से करता है इंटरेक्शन तो क्या करेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, तो यही बोलते हैं यहाँ पर डाइपोल डाइपोल। अगर हम H2O देखें, आइस देखें, तो आइस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइस के, वो कैसे अरेंज होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अरेंज होते हैं ऐसे, वो कैसे अरेंज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे सारे एक नेटवर्क के फॉर्म में आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और सॉलिड फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉन पोलर की तो ये भी कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। पोलर की बात करें तो सॉफ्ट होगा, लेकिन जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन मजबूत है, इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड भी इंसुलेटर होते हैं, और आपका एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, वो भी कैसे होते हैं, आपके नॉन पोलर होते हैं, सॉरी इंसुलेटर होते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्योंकि ये वाला इंटरेक्शन है, ये भी इंटरेक्शन है और ये भी इंटरेक्शन है, तो जो भी इंटरेक्शन से सॉलिड बनते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ऐसा होता है, लेकिन इसका क्या होता है, वेरी लो, नॉन पोलर का वेरी लो, क्योंकि इंटरेक्शन होगा ही नहीं उतना ज्यादा, ठीक है। डिस्पर्सन या फिर लंडन फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स होते हैं, इस वजह से वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी लो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग करने में हमें ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी लगेगी, लेकिन अगर इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग करने में हमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, जिसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही केसेस कैसे हैं, इंटरेक्शन के हैं और वीक इंटरेक्शन के हैं, तो ये कैसे हैं, स्लो है। हाँ क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है भाई, हाँ अजय क्या कह रहे हैं, कट जाती है, वॉइस कट जाती है, अभी ठीक है, यस सर सब रही है। भाई अपना अपना भी नेटवर्क देख लिया करो, मेरी बार गलती थोड़ी ना होगी कि मेरा नेटवर्क बस थोड़ी ना आया है, ऐसा फ्री फोकट में की उसी की गलती होती रहती है, ठीक है। अपना भी एक बार नेटवर्क इधर उधर हो जाया करो अगर वॉइस नहीं आए, ठीक है। क्या होता है पर्टिकुलरली एक जगह पे रहने पे नेटवर्क थोड़ा सा स्लो कर देता, पिंग स्लो हो जाती है उसकी, ठीक है। आयनिक सॉलिड की बात करें अगर, तो आयनिक सॉलिड आयंस के बिटवीन में होंगे, आयंस के बीच में क्या लगता है, कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। भाई अगर दो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा हम उसको कहेंगे आयनिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, ठीक है। जैसे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, NaCl ले लो, NaCl देखो एग्जाम्पल में भी NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लगेगा, आयनिक बॉन्डिंग होगी, आयंस का इंटरेक्शन है, टू अपोजिट चार्जेस का इंटरेक्शन है। फिजिकल नेचर में कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है, बट ब्रिटल होगा, हार्ड होगा बट ब्रिटल होगा, मतलब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करा सकते हैं, इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर कैसा है, ये इंसुलेटर है किसमें, सॉलिड स्टेट में, जब भी हम नॉर्मल लेते हैं अगर NaCl को तो वो इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर हम उसको क्या करें मॉल्टन स्टेट में ले जाएं, थोड़ा सा एक्वस सॉल्यूशन बनाए उसका, तो वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा, बिकॉज आयंस में फ्री हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब NaCl के बीच में जो इंटरेक्शन है वो मजबूत इंटरेक्शन है, दो आयंस के बीच का इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया। चीजें समझते जाना एक एक करके, ठीक है। मेटलिक सॉलिड की बात करें तो मेटलिक सॉलिड में पहली बात करेगी मेटल्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, मेटल के पॉजिटिव आयंस के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो उस बॉन्डिंग को मेटलिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। और मेटलिक बॉन्डिंग की वजह से जो सॉलिड बनेगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है। जैसे आयरन है, कॉपर है, चांदी है, मैग्नीशियम है, ठीक है, सिल्वर बोलूंगा मैं, मैंने ऐसी चांदी बोला ताकि आपको समझ में आए। तो इनके बीच में क्या होगा, जैसे आपने देखा ये आयरन का एक टुकड़ा है, रॉड है, ठीक है,
तो यहाँ पे भी क्या होगा Fe, 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 और इनके भी क्या होगा प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री, इस तरह में क्या होगा अपने आयंस में होगा, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उनको क्या कहेंगे मेटलिक बॉन्डिंग। और जब ये मेटल के बीच में बॉन्डिंग है, सेम तरह के एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग है, तो वो तो ज्यादा मजबूत होगी ना भाई, इसीलिए इनका हार्ड होगा बट मेलेबल एंड डक्टाइल। लेकिन हम इनको क्या करते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, इनकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अगर इनको कूटे पीटे ठोके हथौड़े से लेके बहुत ज्यादा उसको क्या करें क्या कहेंगे चोट पहुंचाए, तो वो क्या करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाता। तो हार्ड तो होते हैं लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाया जा सकते हैं। लेकिन अगर हम NaCl को अगर हथौड़े से ब्रेक कराएं तो वो क्या होगा दूसरे फॉर्म में तो नहीं जाएगा लेकिन पाउडर फॉर्म में जरूर बन जाएगा। लेकिन अगर हम आयरन को अगर हथौड़े से बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो क्या होगा वो दूसरे दूसरे फॉर्म में मॉडिफाई हो जाएगा, लेकिन इस तरह से टुकड़ों में नहीं टूटेगा कि टुकड़ों में ब्रेक हो जाए, ठीक है, ब्रिटल नहीं है, डक्टाइल है, मेलेबल है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में एज वेल एज मोल्टन स्टेट में। अगर हम क्या करें एक वायर लगी है भाई, वायर ही होती है, जैसे आयरन की वायर है, कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है, ठीक है, मेटल्स की वायर है, और इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो हम क्या कह सकते हैं गुड कंडक्टर है। और यहाँ पे मेटल्स की बॉन्डिंग होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी कैसा हो जाएगा फेयरली हाई, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ऐसे कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो क्या बोलोगे जितने भी मेटलिक सॉलिड हैं उनका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन थोड़ा सा हाई किसका होता है तो आयनिक सॉलिड का क्या होता है अप्रोक्सीमेटली हाई होता है, लेकिन लो किसका होता है तो जितने भी मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं उनका जो क्या कहेंगे उसको मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा ज्यादा, तो क्यों है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा ही होगा आयनिक वाले के से तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन हट के किसमें बन जाए बॉन्डिंग में आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। एक लास्ट टाइप का सॉलिड बचा है जिसको कोवेलेंट बोला गया है, को नेटवर्क सॉलिड, जैसे अगर कार्बन कार्बन का अगर हम बॉन्ड देखें, जैसे हमने अभी अभी कार्बन का नैनो ट्यूब देखा, ठीक है, तो वो भी कैसा था ऐसे ही एक दूसरे के साथ में क्या बना रहा था एक एक जियांट नेटवर्क बना रहा था। याद रखना जियांट नेटवर्क के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जियांट नेटवर्क कौन बनाते हैं तो जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो जियांट नेटवर्क बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं, इनको जियांट सॉलिड भी कहा जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉलिड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच्ड रहते हैं इतने ज्यादा कि क्या होता है एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर लगता है। जैसे कि हमने कौन सा स्ट्रक्चर देखा, अभी हमने कार्बन नैनो ट्यूब का स्ट्रक्चर देखा, तो देखो ये कैसा है एक नेटवर्क टाइप का, देखो एक नेट की टाइप का, नेटवर्क जाल की तरह बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे SiO2 क्वार्ट्ज की बात कर लेते हैं, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, या फिर कार्बन डायमंड की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात कर लेते हैं, कार्बन ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, तो ये सब एग्जांपल किसके हैं कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जितने भी इधर क्वार्ट्ज वगैरह जो डायमंड वगैरह होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, डायमंड को आप नॉर्मल कट भी नहीं कर सकते बिना इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। ये कैसे होते हैं इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, ये कंडक्टर नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक ही तरह के क्या है नॉन मेटल्स हैं, एक ही तरह के क्या है नॉन मेटल, नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, और नॉन मेटल क्या होते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे एक चीज है ये वाला, ठीक है, लेना कि सॉलिड है ऐसा कौन सा कोवेलेंट सॉलिड होता है कंडक्टर होता है, तो वो ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और नेचर में सॉफ्ट होता है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तो हाई ही ऑब्वियस कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ, जानता हूँ स्क्रीन ब्लैक हो गई होगी तो परेशान मत होना, क्या ये चीजें समझ में आ गई? यस सर। जो समझाया सॉलिड में, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो बेशक बेझिझक पूछ सकते हैं आप उससे। सर SiO2 कंडक्टर है ना? एक लोग बोलो, हाँ क्या कह रहे हैं? SiO2 कंडक्टर है। HCl देखो, HCl कर रहे हैं, HCl को हमने क्या बोला, HCl है यहाँ पे कैसा है पोलर है, अब ये क्या है देखो इंसुलेटर है, क्योंकि आयंस नहीं है, पार्शियली आयोनाइज है,
कंप्लीट आयोनाइज नहीं है, पार्शियली आयोनाइज है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। क्या है देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाया हुआ है, प्योरली आयोनिक नहीं होता ये प्योरली आयोनिक नहीं होता, पोलर होता है लेकिन आयोनिक नहीं होता, बात याद रखना। HCl क्या होगा आपका, इंसुलेटर में जाएगा, HCl इंसुलेटर में जाएगा। यस सर, आई बात समझ में? और कोई डाउट? यस सर, लंदन फोर्सेस बता दीजिए। ये बहुत ही ज्यादा वीक फोर्सेस का मतलब, जैसे अगर आप करो क्या, एक सेकंड मैं नया पेज लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने लिया H2 मॉलिक्यूल, क्या लिया, H2 मॉलिक्यूल लिया, तो H2 मॉलिक्यूल जो ओवरऑल कैसा होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा, कैसा बना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये दूसरे अपने ही मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो भाई ये क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन पोलर, ऐसा है ये नॉन पोलर, मतलब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता तो कोई एक डेल माइनस में, कोई एक डेल प्लस में चला जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो ये क्या है, नॉन पोलर है, ऐसा ये नॉन पोलर। अब नॉन पोलर होने की वजह से ये इंटरेक्शन करेगा कैसे, ये इंटरेक्शन करेगा कैसे, तो आपस में ये पोलर इंटरेक्शन कर सकता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कर सकता है, लेकिन लंदन फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे हमने एक लिया क्या इस तरह से जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिया और एक ले लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके ऊपर क्या चला जाएगा, डेल माइनस, इसके ऊपर क्या चला जाएगा, डेल प्लस, कैसे जाएगा भाई, या फिर मान लो चलो इसको भी हटा दो, इसको भी हम क्या मानते हैं, अभी भी कंसीडर करते हैं, इसको भी क्या, नॉन पोलर, ये भी कैसा है, नॉन पोलर, लेकिन जब ये किसकी तरफ जाएगा, ये एक दूसरे के पास जाएगा, I2H2 के पास जाएगा, तो ये एक तरह का इंटरेक्शन फील करेगा, तब हम इसको वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, लंदन फोर्स कहेंगे। लेकिन अगर हम इसी H मॉलिक्यूल को HCl के पास ले जाएं, डेल प्लस और डेल माइनस, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और जब हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो किस में जाएगा, डेल प्लस में, और ये किस में चलेगा, डेल माइनस में। तो भाई इसका पहले से तो डाइपोल था नहीं, H2 के पास तो पहले से डाइपोल नहीं था, किसके पास था, क्लोरीन के पास, HCl के पास, लेकिन H2 के पास भी क्या क्रिएट कर दिया, डाइपोल, तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। और जब इस तरह के इंटरेक्शन होते हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इस तरह के होते हैं कि खुद का तो कोई लेना देना नहीं था चार्ज से, लेकिन दूसरे के बहकावे में आके हम क्या करते हैं, अपने आप को पार्शियली चार्ज कर लेते हैं, तब इस तरह से फोर्सेस आपके क्या काम करते हैं, लंदन फोर्सेस वगैरह काम करते हैं, ठीक है। यही बात यहां लिखी गई है कि जो H2 है, I2 है, CO2 है, इन सब के बीच में क्या लगता है, ARCCl4, इनके बीच में क्या करता है, डिस्पर्सन फोर्स काम करता है, लंदन फोर्स काम करता है। देखो एक और समझो, और बेहतरीन समझते इसको, ठीक है। जैसे क्या हुआ, H और H है, इनके बीच में जब बॉन्डिंग हुई तो इसके एटम का सरफेस एरिया ये रहा और इसके एटम का सरफेस एरिया ये रहा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही वो कहां रही, यहां पे बीच में, यहां पे कहां रही, बीच में। लेकिन अभी ये कहा है, जब ये H2 नॉर्मल पे, लेकिन जब ये HCl ने कॉन्टेक्ट किया इससे, ठीक है, किसने किया, क्या लिख देता हूं, HCl ने कॉन्टेक्ट किया इससे, तो हुआ क्या कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो ऊपर था, बीच में था, वो अब कहां की तरफ चलने लगा, इस तरफ की, इस तरफ मॉलिक्यूल की तरफ डिस्पर्स होने लगा, एक तरफ ज्यादा होने लगा। यानी कि अगर मैं H2 के बीच में पहले बात करूं इंटरेक्शन के पहले, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन अगर इंटरेक्शन के बाद की बात करूं तो ये क्लाउड कैसा चला जाता है, इस तरह से ज्यादा, मतलब एक हाइड्रोजन की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हो जाती है, यानी कि एक तरफ डिस्पर्स कर जाता है। और इस तरह से जब कोई वर्क करता है, कोई भी मॉलिक्यूल, तो कहते हैं कि उसके अंदर क्या काम कर रहा है, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस काम कर रहे हैं। अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, जैसे HCl HCl आ रहे हैं, तो डाइपोल डाइपोल है, तो उसको कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बोलो भाई, आ गया? यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये रहा पूरा आज का जो लेक्चर होने वाला था, आप तो बोलते बोलते जी भी सूख गई, इतना थ्योरेटिकल था, इसीलिए मैंने स्लाइड प्रिपेयर की थी पहले से, मैं जानता था बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, अगर मैं ये सब लिखता तो आज नहीं हो पाता, ये लेक्चर में जाते ही नहीं, आज एक्स्ट्रा निकल जाता, दो लेक्चर हो जाते, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें?